हेलो एवरीवन, मैं बेबी कुंदू का 321 का, मैंने तो इस मॉडल पेपर जो 319 से स्टार्ट है आपका, ये सबका सब सम्स अपलोड कर दिया है, लेकिन एमसीक्यू में मैंने नहीं अपलोड किया था क्योंकि वो आपका ना पीछे से सॉल्व ही रहता है, इसलिए मैंने एमसीक्यू अपलोड नहीं किया था इस मॉडल पेपर का। लेकिन दो सम्स के लिए मुझे बहुत कमेंट आया है, एक 7 सम्स नंबर के लिए और एक यहाँ पे 9 नंबर के लिए, तो वो मैं सॉल्व कर देती हूँ। 7 नंबर है, ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, देयर कंबाइंड कैपिटल 2 लाख एंड रिजर्व 40,000। द न्यू पार्टनर सी कैन विन 20% ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सी कैपिटल विल बी कितना होगा, देखिए देखिए पीछे में आपका डी आंसर है बट होगा सी, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व होगा, यहाँ में बहुत सारा प्रिंटिंग रॉन्ग भी है। ए आर प्ली प्लस बी, आपका ए और बी का 2 लाख, देखिए यहाँ पे ए और बी का जो कंबाइंड कैपिटल था 2 लाख हुआ। आपका सी 20% लाया तो 100 टोटल होते हैं, 100 में से 20% गया तो 80% हुआ टोटल कैपिटल, मतलब 2 लाख बाई 80% तो आपका निकलेगा कितना, 2,50,000, उसका आपका 20% ये सी है, तो 20% निकला 50,000, आंसर यही होगा, ठीक है 8 नंबर का। अच्छा, अब ये हो गया है 322 पेज में मॉडल पेपर का जो 9 नंबर है। एवरेज प्रॉफिट इज़ 40%, द वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज ₹50,000, नॉर्मल प्रॉफिट इज़, देखिए 15,000 होगा आंसर, वो 15,000 ही आया है मेरा भी, देख लीजिए कैसे गुडविल, ठीक है। गुडविल का फॉर्मूला सेलिंग सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, अगर सुपर प्रॉफिट का सम रहता है तो यही फॉर्मूला रहता है। अगर आपको नहीं आता है तो मेरा इस चैप्टर का 52 का अपार्टमेंट भी दी थी, देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे फॉर्मूला सबको दिए हुए। तो आपको गुडविल का अमाउंट ही दे दिया है, बोला है 50,000, ये देखिए वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट इज 50,000, तो गुडविल आपका 50,000 का है और ये आपको निकालना है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 दिया है, ऐसे सुपर प्रॉफिट नहीं दिया, तो यही कॉपी कर लिए 50,000, 2 और सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2SP, तो आपका ये 50SP इधर, मतलब 2 इधर हो जाएगा, तो 50,000 से 2 डिवाइड मैंने घुमा दिया है, तो 50,000 से डिवाइडेड बाई 2 25,000 हुआ। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट आपका 40,000 गिवेन है, दिया हुआ है, और सुपर प्रॉफिट आपका 25,000 है। अब अपने आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट को इधर ही रखिए, मतलब सॉरी इधर माइनस में उधर ले गए तो प्लस हो गया, और ये सब हमारे क्या हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, जगह होने चेंज होने से माइनस हो जाता है ना, तो ये इसका जगह चेंज होने से प्लस माइनस हो गया, इसका जगह चेंज होने से ही प्लस हो गया, तो 40 से 25 गया तो 15,000 नॉर्मल प्रॉफिट आपका 15,000, ठीक है। यही दो सम्स के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे तो मैंने इसलिए कर दिया इस पेपर का भी। इस लॉन्ग सम्स तो मैंने सारे सम्स दे दिए हैं आपको, लेकिन MCQ में बहुत लोगों ने कहा कि पीछे आंसर सॉल्व ही रहता है, इसीलिए MCQ वहाँ से भी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।